बहुत दिनों के बाद आखिरकार मीडिया से मुखातिब हुए सीएम नीतीश कुमार 15 सेकंड क्या बोले, आइए जानते हैं पूरी खबर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के छठ घाटों का किया निरीक्षण। उन्होंने स्टीमर द्वारा नासरीगंज घाट से कंगन घाट तक के विभिन्न घाटों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं काफी दिन बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। महज 15 सेकंड के बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छठ को लेकर बहुत अच्छा इंतजाम किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो ये देखने के लिए हम आए हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रतियों को अर्थ देने में कोई परेशानी ना हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें, छठ व्रतियों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखें, छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों का निर्माण कराएं, गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें, छठ घाटों के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत बैरिकेडिंग कराएं, घाटों के पहुंच पथ एवं गंगा नदी किनारे के सड़कों के पास भी छठ व्रतियों के सुचारू आवागमन की हेतु बैरिकेडिंग कराएं। ये भी सुनिश्चित करें कि छठ व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनको हर प्रकार की सहूलियत मिले। उन्होंने कहा है कि छठ घाटों पर साइनेज मतलब संकेत चिन्ह का प्रयोग कर छठ व्रतियों को वहां पर की जा रही व्यवस्थाओं आने जाने की आदि के बारे में जानकारी दी जाए। छठ पूजा के दौरान माइकिंग के माध्यम से छठ घाटों पर की गई व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं के संबंध में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को लगातार जानकारी दी जाए। छठ घाटों तक छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराए ताकि छठ व्रतियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। छठ घाटों पर शौचालय टॉयलेट का भी इंतजाम कराए ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। छठ घाटों पर साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था रखे। निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस तरह तमाम तरह खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। लोगों को आने में पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए ना हम लोग आए हैं, सब चीज हो रहा है, इसलिए चिंता